Good evening and praise the Lord and welcome to the studying of the scriptures, the Wednesday Bible study hour. और आज की शाम मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस समय में जब हम अपने बाइबल अध्ययन को जारी रखे हुए हैं. And I pray and I hope that the studying of First Corinthians so far we covered 6 chapters and I hope these studies have enlightened you and enabled you to understand the scriptures. और अभी तक हमने पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 6 अध्याय तक अपने अध्ययन को हम समाप्त कर चुके हैं और मुझे पूरी ये आशा है कि इनके द्वारा आप आशीषित हुए हैं और आपने सीखा है. And today we begin a new chapter 7. और आज की शाम हम शुरुआत करते हैं एक नए अध्याय की जो है पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय. This chapter is given in response to a letter that the Corinthian believers wrote to the apostle Paul. और ये 7वां अध्याय पौलुस प्रेरित लिखता है उस संदर्भ में कि कुरिन्थ के विश्वासियों ने जो एक पत्री पौलुस को पहले लिखी थी उसके उत्तर में इस भाग को वो लिखता है. There's a question about marriage and also celibacy. और वो सवाल था या वो प्रश्न था कुरिन्थ के विश्वासियों का शादी के विवाह में या जो लोग शादी नहीं करते कुंवारे रहते हैं उनके विषय में. In chapter 6 we concluded the subject last Wednesday and we in conclusion we discovered that glorify God in your body. और पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय में हमने ये कहकर समाप्त किया कि हमें परमेश्वर को अपने शरीरों के द्वारा महिमा देना है. The Holy Spirit was given for the purpose of glorifying God. और पवित्र आत्मा हमें दिया गया ताकि हम परमेश्वर की महिमा करने पाएं. And glorifying the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह को महिमा देने पाएं. And the Spirit can use our bodies to glorify and magnify God. और याद रखिए पवित्र आत्मा हमारी देह का प्रयोग कर सकती है कि हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें और उसे उच्च ठहराएं. So you can see here in this chapter. और इसलिए आप इस अध्याय में इस बात को देख सकते हैं. God the Father. कि परमेश्वर पिता. God the Son. परमेश्वर पुत्र. And God the Holy Spirit. और परमेश्वर पवित्र आत्मा. All three in Holy Trinity are involved in what we do with our bodies. और ये तीनों जुड़े हुए हैं इस पवित्र त्रिएक व्यक्तित्व में कि जो कुछ हम अपनी देह या शरीर के संग करते हैं. So my friends, we should take our salvation and our Savior so seriously that we give deeper thoughts and consideration to the teaching of God's word. और इसलिए मेरे मित्रों हमें अपने उद्धार अपने मोक्ष को बड़ी गंभीरता के संग लेना है ताकि हम उसी गंभीरता के संग अपने जीवनों में जीने पाएं. Salvation is so great. क्योंकि ये उद्धार इतना महान है. Why? क्यों? Because we see the truth of it in the fact that the all three persons in the Holy Trinity are involved in our salvation. क्योंकि हम देखते हैं किस प्रकार से वो त्रिएक परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्व हमारे उद्धार या हमारे मोक्ष में जुड़े हुए हैं. And in the use of our body, which is a body of this new creation in Jesus Christ. और अपनी देह का प्रयोग करने के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है. God the Father and God the Son and God the Holy Spirit, all three are involved in what we do with our body. और इसलिए वो परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा और परमेश्वर पिता तीनों इस बात की चिंता करते हैं कि हम अपनी देह के संग कैसा व्यवहार करते हैं. God does for us, He does it so seriously and so thoughtfully and so perfectly. और इसलिए याद रखिए जो कुछ परमेश्वर करता है वो कितनी गंभीरता के संग करता है कितने ध्यान के साथ करता है. So this is where we closed chapter 6. और यहाँ पर हमने 6 अध्याय को रोका था. Now in chapter 7, Paul is treating another new subject. और यहाँ 7वें अध्याय में पौलुस प्रेरित एक नए विषय के बारे में बात करता है. As I mentioned, और जैसे मैंने बताया, it's a question of celibacy and marriage. और ये सवाल है शादी या कुंवारेपन का. And so today we shall consider the introduction to this. और आज के दिन हम अपने इस अध्ययन में इसके शीर्षक के बारे में अध्ययन करेंगे. This matter is introduced here has often been a subject of controversy. और जिस विषय में वचन के इस भाग में बात किया जा रहा है कई बार ये विषय एक लड़ाई का चुनौती पूर्वक एक ऐसा विषय कलीसिया के लिए भी रहा है. It is so because और अगर ऐसा है वो इसलिए some reject its teaching क्योंकि कुछ इन शिक्षाओं के विरुद्ध में है. Whereas some have misunderstood what Paul is saying. और यहाँ पर कुछ लोग गलत फहमी में है या गलत रीति से उसे समझे हैं जो पौलुस कहना चाहता है. And so, और इसलिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच द अपोस्टल डेल्ट विद दिस क्वेश्चन विल क्लियर एनी मिसअंडरस्टैंडिंग. वो संदर्भ जिसमें पौलुस प्रेरित ने ये सारी बातें की हैं वो हर एक प्रकार की गलतफहमी को दूर कर देगा. And you will recollect और आप इस बात को अगर सोचें that Corinth was a cesspool of immorality. अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा कि कुरिन्थ नगर या शहर एक ऐसा शहर था जो अनैतिकता में डूबा हुआ था. One of the most important cities in the world at that time. और उस समय में संसार में सबसे महत्वपूर्ण नगरों में आने वाला में से एक नगर. All forms of sexual perversion and deviations were rampant. और हर प्रकार का व्यभिचार जो शरीर से है या यौन संबंध हर प्रकार के शरीर शारीरिक अनैतिकता वहां थी. Not only so common and rampant, but it was openly displayed. और ना केवल ये शारीरिक अनैतिकता या व्यभिचार बड़ा साधारण था लेकिन बड़े साधारणता और सरलता के संग उसका दिखावा किया जाता था. प्रैक्टिकली और स्वाभाविक रूप से एवरीवन वाज ड्रेस्ड टू ड्रॉ अटेंशन एंड टू अट्रैक्ट. हर एक व्यक्ति इस प्रकार से कपड़े पहनकर तैयार होता था कि वे किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके. एंड इवन देयर कॉन्वर्सेशन वाज पेपर्ड by this the raise arousing the sexual feeling और यहाँ तक उनकी बातों में भी वो उत्तेजनाएं जो व्यभिचार के लिए है वो सारी बातें मौजूद थी. And by conversation was meant to let each other know that they were available and desired. और उनकी बातें इस विषय में हुआ करती थी कि वो उपलब्ध हैं और उनके पास ये इच्छा है कि वो करना चाहते हैं. And that was the situation. और ऐसी परिस्थिति थी. It was all in the open. और ये सारी बातें बड़ी खुली रीति से वो करते थे. A decent person could not walk down the street without being eyed. और एक कोई भी सरल और अच्छा व्यक्ति उस नगर की सड़कों से होकर नहीं निकल सकता था बिना ताके जाए के. And considered about such a person by the tempter and also the temptress. और आप सोचिए इस व्यक्ति के बारे में जो परीक्षा में पढ़ता है और जो परीक्षा में लेकर के आता है. And both sexes were involved. और दोनों ही स्त्री और पुरुष इसमें जुड़े हुए थे. And it abounded everywhere. और कुरिन्थ के नगर में हर जगह ये पाया जाता था. Now imagine a church of the Lord Jesus Christ in the midst of such an immoral society. और आप सोच सकते हैं आप सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह की एक कलीसिया ऐसी अनैतिक परिस्थिति और नगर में पाई जाती थी. And imagine a group of young believers. और सोचिए कि एक नए विश्वासियों का समूह desiring to live a pure and holy life. जो ये इच्छा रखते थे कि वो शुद्ध और पवित्र जीवन जिएंगे. And imagine the temptation they would face. और सोचिए वो परीक्षाएं जिनका सामना वो करते. The pressure to look and touch and experience. और वो दबाव जो उनके ऊपर होता था कि वो देखना चाहते हैं उसे महसूस करना चाहते हैं उन बातों को छूना चाहते हैं. And remember, it was such a life that these people have come out and now saved. और याद करिए ये ऐसा जीवन है कि ये लोग निकल आए और अब बचा लिए गए हैं. The pressure was great. और वो दबाव इतना महान था. That the Corinthian believers began to search for the best way to handle this situation. कि कुरिन्थ के विश्वासियों को विश्वासी वो एक सही या अच्छा तरीका खोजने लगे कि किस रीति से वो इस बात को संभाल सकते हैं. And in this search, और अपनी इस खोज में, some concluded that the celibacy is the best way to escape this temptation. और कुछ लोगों ने इस परीक्षा में पढ़ने की बजाय ये सोचा और ये निष्कर्ष निकाला कि इससे बचने के लिए कुंवारा रहना ही एक अच्छा बात है. That is the best way to handle this situation. और यही एक बढ़िया और उत्तम उपाय है कि इस परिस्थिति का सामना किया जा सके. Not to touch a woman was the surest way to keep oneself pure and holy. और एक स्त्री को ना छूना ही एक व्यक्ति के लिए वो तरीका था जिसके द्वारा वो खुद को शुद्ध और पवित्र बनाए रख सकता था. And this is the conclusion they arrived. और इसी निष्कर्ष पर वो निकले. And this conclusion was not to touch a woman would make them so strong that temptations would have not effect on them. और उनको ऐसा लगा, उनका विचार ये था कि जब वो इस बात को कर लेंगे कि वो किसी स्त्री को छुएंगे ही नहीं, तो किसी भी वो इतने मजबूत बन जाएंगे कि किसी भी प्रकार की परीक्षा में नहीं फंसेंगे. In fact, in Corinth, what happened was the idea caught hold, and a good number of them began to practice celibacy. और इस विचार का प्रचलन वहाँ हुआ और कई अच्छे गिनती में कई लोगों ने कुंवारा रहना ही ठीक समझा. And some began to practice it within the marriage. और कई लोगों ने शादी के भीतर इस बात का अभ्यास करना शुरू कर दिया. And that means you are married, you have a wife, but you don't touch her. और इसका मतलब ये है कि आपकी शादी हो चुकी है, आपकी पत्नी है, लेकिन आप उसे छूते नहीं. So they live together, but no physical contact. और लेकिन वो एक साथ रहते हैं लेकिन कोई शारीरिक संबंध नहीं. And some within the marriage and some leaving their spouses. और यहाँ तक ऐसी परिस्थिति आ गई कि कुछ ने अपनी पत्नियों को छोड़ना शुरू कर दिया. So when we read verses 3 to 5, और जब हम तीसरे वचन से लेकर पांचवें वचन तक पढ़ते हैं, it said, let us read this from chapter 7 verses 1 to 5. और आइए हम पढ़े पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय से 1 वचन से लेके 5वें वचन तक. Now concerning the matters about which you wrote, it is good for a man not to have sexual relations with a woman, but because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife and each woman her own husband. Now the husband should give to his wife her conjugal rights, and likewise the wife to her husband. For the wife does not have authority over her own body, but the husband does. Likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife does. So do not deprive one another, except perhaps by agreement for a limited time, that you may devote yourselves to prayer. But then come together again, so that Satan may not tempt you because of your lack of self-control. उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो. पति अपने पत्नी का हक पूरा करे, और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का. पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है. वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है. तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सहमति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो. ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे. Let us consider this. आइए हम इस बारे में बात करें. Now this matter of handling temptation of fornication, और ये परीक्षा कि कैसे हम उस व्यभिचार के विरुद्ध खड़े हों and of celibacy और वो कुवारापन had become such an issue in Corinthian church. कुरिन्थ की कलीसिया में ये दोनों बातें एक बड़ा चुनौती के रूप में आ गई. So much so that the church at Corinth needed guidance. और इतनी बड़ी चुनौती और परीक्षा के रूप में कि कुरिन्थ की कलीसिया को मार्गदर्शन की आवश्यकता थी. So the people at Corinth church wrote to the apostle Paul. और इसलिए कुरिन्थ के कलीसिया के विश्वासियों ने पॉल उस प्रेरित को एक चिट्ठी लिखी. Asked him what the Lord had taught regarding fornication, celibacy and marriage. कि परमेश्वर ने क्या सिखाया है वो शादी से पहले यौन संबंध और उसके बाद कुंवारेपन के बारे में और शादी के बारे में. So here in chapter 7, Paul is answering specific questions regarding this. और इसलिए सातवें अध्याय में पौलुस प्रेरित इन बातों से संबंधित ही प्रश्नों के बारे में बात करता है. Notice certain phrase used. और आइए हम देखें कुछ प्रकार के वाक्य जिनका प्रयोग यहाँ किया गया है. In writing the reply, Apostle Paul used this now concerning. और इस प्रश्नों के उत्तर को लिखते समय पौलुस ने इस बात को कहा कि उन बातों के विषय में. And that expression shows this section was written in response to questions. और इस वाक्य का मतलब यह है कि ये भाग पौलुस प्रेरित ने विश्वासियों कुरिन्थ के विश्वासियों के सवालों के विरुद्ध या उन सवालों के उत्तर के प्रति लिखा. And in other words, Apostle Paul is writing now concerning the questions you have written. और या दूसरे शब्दों में पौलुस प्रेरित ये कह रहा है कि जो प्रश्न तुमने मुझे लिखे थे उनके विषय में मैं ये कहता हूँ. Paul also used the word good. पौलुस ने अच्छा या भले शब्द का भी प्रयोग किया. That denotes a commendable rather than a commanded attitude. जिसका मतलब है सराहनीय स्वभाव ना कि आदेश देना या आज्ञा देने वाला स्वभाव. And refers to sexual relationship within marriage. और वो बात करता है यौन संबंध की जो शादी के भीतर होना चाहिए. And the question was, और सवाल ये था whether or not one should marry. कि क्या एक को शादी करनी चाहिए ना या नहीं. And that was the question whether once you are a Christian, born again, become a new creation, should we marry. और उसका कहने का मतलब था जब आप एक मसीही बन जाते हैं, आप एक नए सृष्टि बन जाते हैं, क्या हमें शादी करनी चाहिए. Now later in this chapter, namely verse 32, Paul offered his major reason for celibacy. और इस अध्याय के अंत के वचनों में खास रीति से 32वें वचन में पौलुस प्रेरित लिखता है कि क्यों कुंवारापन रहना चाहिए या कुंवारा रहना चाहिए. And which we shall consider when that time comes. और उस विषय में भी हम बात करेंगे जब वो समय आएगा. There are specific reason why one should celebrate celibacy. और ऐसे कई सारे कारण हैं कि क्यों किसी एक को कुंवारा वो रह सकता है. And this commendable thing that Apostle Paul is referring to, it refers to sexual relationship within marriage. और इन सराहनीय बातों के बारे में जो वो बात कर रहा है पौलुस प्रेरित वो है यौन संबंध या शारीरिक संबंध जो शादी के अंदर जिनकी अनुमति है. So the whole question was, और इसलिए सवाल ये था whether or not a born again Christian and a new creation should marry. सवाल ये उठा कि क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में एक विश्वासी और एक नई सृष्टि जो बन गया है वो शादी कर सकता है या नहीं. The church needs to be concerned about marriage. और कलीसिया को भी शादी के विषय में चिंता करनी है. And regarding this, believers must understand God's concept of marriage. और इसके विषय में विश्वासियों को समझना है परमेश्वर का संदर्भ शादी को लेकर क्या है. Especially in view of how the world considers marriage. खास रीति से ये देखते हुए कि कैसे ये संसार शादी को लेता है. And today, after all these centuries, और इन सारी सदियों के बीतने के बाद भी there is a vast difference now how the world view marriage and how God view marriage and the church should view marriage. एक बहुत बड़ा अंतराल आ गया है कि कैसे ये संसार शादी को देखता है और कैसे कलीसिया या परमेश्वर एक शादी को देखता है. And the most important aspect of marriage you should know is this. और जो शादी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो आपको जानना है वो ये है. Marriage is God's own institution. याद रखिए शादी तो परमेश्वर का खुद बनाया गया एक ऐसा भाग है. Today, anywhere you go in the world, there are marriages. और इसलिए आज के दिन संसार में आप कहीं भी जाएं शादियां जरूर पाएंगे. In all religion. और हर प्रकार के धर्मों में. In all language. हर प्रकार के भाषा शैली. Cultures. हर प्रकार की संस्कृतियों में. Wherever you go. जहां कहीं पर भी आप जाएं. Everybody gets married. हर कोई शादी करता है. And so they talk about marriage. और इसलिए वो शादी के बारे में बात करते हैं. But nobody say where marriage began or birth. लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि कहाँ शादी का जन्म हुआ या कैसे पहला शादी हुआ. And no nation can claim it. और कोई भी राष्ट्र इस बात का दावा नहीं कर सकता कि ये उनका है. It started from us. क्योंकि ये हमसे शुरू हुआ. No language can claim. और कोई भी भाषा का समूह इसे नहीं कह सकता. कोई भी संस्कृति इसको नहीं अपना सकती. Marriage began in our culture. कि हमारे संस्कृति में शादी की शुरुआत हुई. क्यों? Because marriage is not a human institution. क्योंकि शादी मनुष्य के द्वारा बनाया गया कोई संस्कार नहीं है. It was born within the heart of God, the Creator Himself. और ये तो खुद सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने इसको रचाया और इसको बनाया. God created man. और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया. And God, same God created a woman. और उसके बाद मानव बनाने के बाद परमेश्वर ने एक स्त्री को बनाया. And then God gave them, both of them, the union of marriage. और परमेश्वर ने उन दोनों को एक करा उस शादी के द्वारा. In other words, दूसरे शब्दों में, God gave marriage to Adam as a gift. परमेश्वर ने आदम को शादी एक तोहफे के रूप में दिया. And so Eve. और इसीलिए ये ऐसा है. Eve was created for Adam. और इसीलिए हवा के बारे में भी यही है क्योंकि हवा को आदम के लिए बनाया गया. One man. एक पुरुष. One wife. एक पत्नी. That's the way God began. और इसी रीति से परमेश्वर ने शुरुआत की. That is God's will. और यही परमेश्वर की इच्छा है. And by the passing of time, और जैसे जैसे समय बीतता गया, man went further away from God. मनुष्य तो परमेश्वर से दूर चला गया. Everything began to change. और हर एक बात बदलना शुरू हो गई. They began to take more than one wife. और वो एक पत्नी से ज्यादा पत्नी लेना शुरू कर दिया. Some can take as many as he wanted to. और कईयों ने जितनी चाहते थे उतनी पत्नियां. And then later on divorce started. और उसके बाद तलाक शुरू हुए. These are not God's desire, God's will. याद रखिए ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है और परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता. It is all because of the hardness of the people's heart. और ये तो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि लोगों के हृदय कठोर हो चुके हैं. They forgot God and His rule. वो तो परमेश्वर और उसकी जड़ों के भूल गए. Each one began to do his or her own thing. और हर एक ने अपनी मर्जी और अपने तरीके से बातों को करना शुरू कर दिया. And brought marriage down to that highest sacred place to the lowest. और उस शादी को जो कि इतनी पवित्र और ऊंचे स्थान का एक संस्कार था उठाकर एक नीचे स्थान पर ले आया. Even if society fall apart in the courts of divorce, और मान लीजिए यहाँ तक समाज जो है न्यायालय के कटघरे में टूट जाए वो शादी का बंधन, the church of the Lord Jesus Christ must uphold the purity and sanctity of marriage. लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को उस शादी की शुद्धता और पवित्रता को बनाकर चलना है. The bond of love. और वो प्रेम का जो रिश्ता है, as God ordained it to be, जैसे परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया कि वो हो। We must uphold the standard of God and uphold the height where God has placed marriage. और हमें परमेश्वर के उस स्तर को, उस मापदंड को बना करके रखना है जहां पर परमेश्वर ने उस शादी को बनाया था। And so, if you read this chapter 7, verses 1 to 7, और इसलिए अगर आप पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 1 से लेकर 7वें वचन तक पढ़ेंगे, in this passage, Apostle Paul answers some very practical questions. इस पूरे भाग में पौलुस प्रेरित बहुत ही स्वाभाविक और प्रश्नों का उत्तर के रूप सामने रखता है। And which often cause problems for singles as well as the married. और ऐसे सवालों का उत्तर जो कई बार जो अकेले पुरुष हैं उनके लिए, और साथ ही साथ जिनकी शादी हो चुकी है वो भी ऐसे सवालों से होकर के निकलते हैं। So let me give you a small outline today, and then from next study we shall enter into serious study. और आज की शाम में आपको उस बातें बता देता हूँ जो इस पहले वचन से लेके 7वें भाग में जिनसे पौलुस जिनको लेकर बात कर रहा है। नंबर 1, पहली बात, देयर आर सर्टेन स्पेशल सिचुएशंस फॉर नॉट मैरियिंग। पहली बात कि ऐसी कई सारी खास परिस्थितियां हैं जिनके लिए शादी ना करना ठीक है। वर्स 1, पहला वचन। नंबर 2, दूसरी बात, देयर इज अ कंडीशन नेसेसिटेटिंग मैरिज। एक ऐसी शर्त है जो शादी होना अनिवार्य बनाती है। वर्स 2, दूसरा वचन। नंबर 3, तीसरी बात, देयर आर म्यूचुअल ड्यूटीज विद इन मैरिज। कि शादी के भीतर जिम्मेदारियां भी हैं। वर्स 3, तीसरा वचन। नंबर 4, चौथी बात, देयर इज टू बी म्यूचुअल ओनरशिप ऑफ वन अनदर्स बॉडी। एक सहमति के साथ एक दूसरे की देह पर अधिकार भी है। वर्सेस 4 to 6, और चौथे वचन से लेकर छठे वचन तक। देयर इज नंबर 5, पांचवी बात, देयर इज द गिफ्ट ऑफ मैरिज एंड द गिफ्ट ऑफ बीइंग सिंगल। कि एक तोहफा है शादी का और साथ ही साथ एक तोहफा है कुंवारेपन का। वर्स 7, सातवें वचन में। सो Considering this outline, और इन पांचों बातों को ध्यान में रखते हुए, you read each verse carefully. आप एक-एक वचन को बड़े ध्यान पूर्वक पढ़े। And then you think of this outline that I gave. और उसके पश्चात आप इस पांचों बातों के बारे में सोचे जो मैंने आपको बताई। I will mention one more time. मैं एक बार फिर से इन्हें दोहरा देता हूँ। Verse 1 says there are special situations for not marrying. और पहले वचन में हाँ ये पहली बात ये है कि पहले वचन में हम देखते हैं कि वो बताता है कि खास परिस्थितियां हैं जिसमें शादी नहीं कर सकते। And in verse 2 there is a condition necessitating marriage. और दूसरी बात कि ऐसी परिस्थितियां भी है, ऐसी शर्त भी है जो शादी को अनिवार्य बनाती है। दूसरा वचन। And in verse 3 there are mutual duties within marriage. और तीसरी बात कि शादी के भीतर सहमति के संग ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो पूरी की जानी है। तीसरा वचन। And verses 4 to 6, और चौथे वचन से लेकर छठे वचन तक। There is to be mutual ownership of one another's body. वहां पर हम पाते हैं कि एक दूसरे की देह के ऊपर सहमति के संग अधिकार है। And then last of all, और अंत में पांचवी बात, there is the gift of marriage and the gift of being single. कि एक तोहफा है शादी का और साथ ही साथ एक तोहफा है कुंवारेपन का। That is in verse 7. और उस बात को हम 7वें वचन में देखते हैं। So read this verse by verse up to verse 7 and consider this topic and think about it. Then you will have a clearer understanding of what Apostle Paul is teaching. और इसलिए पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक आप ध्यान पूर्वक पढ़े, एक एक करके इन पांचों बातों को ध्यान में रखते हुए, तब आपके पास एक स्पष्ट समझ होगी कि पौलुस प्रेरित क्या कहना चाहता है। And the biblical view of marriage is this. और बाइबल के अनुसार या पवित्र शास्त्र के अनुसार शादी ये है। Sex is something that God himself, who created our bodies, put it within our body. और याद रखिए, यौन संबंध या वो इच्छा या वो भावना एक ऐसी बात है जिसे परमेश्वर, जिसने हमारी देह को बनाया, हमारे भीतर डाला. And therefore, और इसलिए it is to be used and enjoyed. इस बात का हमें आनंद लेना है और प्रयोग करना है within the framework of marriage, सिर्फ शादी के भीतर. Because it was God who first saw the need of man. क्योंकि ये तो परमेश्वर ही था जिसने मनुष्य की पहली जरूरत को देखा. When he said it is not good for man to be alone. और उसने कहा ये अच्छा नहीं है कि मनुष्य अकेला रहे. And so then he did not create a beast. He did not create another man. और याद रखिए, तब परमेश्वर ने दूसरा पुरुष नहीं बनाया, किसी जानवर को नहीं बनाया. He created a woman. उसने एक स्त्री को बनाया. And then gave that woman to Adam. और उसके पश्चात आदम को वो स्त्री दे दी. And so in the Garden of Eden. और इसलिए वो ईदन के बगीचे में God the Creator himself officiated that marriage union between a man and a woman. परमेश्वर पिता ने खुद वे उस पुरुष आदम और उस स्त्री हवा के बीच में उस शादी को कराया. And God's ways and God's will. और परमेश्वर के तरीके और परमेश्वर की इच्छा. One man and one woman. कि एक पुरुष और एक ही पत्नी. Live together as husband and wife. और एक साथ वो पति पत्नी के रूप में जिए. And fulfill God's purpose. और परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवनों में पूरा करें. So my friends. और इसलिए मेरे मित्रों. Always remember. हमेशा याद रखिए. God is a very loving and caring Father God. कि परमेश्वर तो एक बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर पिता है. He cared for man's enjoyment enough that he created a woman, and both of them will enjoy the pleasures of by enjoying their sexual life. और परमेश्वर ने तो पुरुष की इतनी चिंता करी कि उसने स्त्री को बनाया ताकि वो दोनों सहमति के संग एक दूसरे की देह का आनंद लें. So you don't go out of marriage bound. और इसलिए आप शादी के बाहर नहीं जाते trying to enjoy sex. वो यौन संबंधों का मजा लेने के लिए. That will not be the enjoyment of love. क्योंकि याद रखिए वो प्रेम का आनंद वहाँ नहीं होगा. That is simply lust. वो तो सिर्फ और सिर्फ लोभ है. God has not created a woman for a man just to fulfill his lustful desire. याद रखिए, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए या पुरुष के लिए स्त्री को इसलिए नहीं बनाया कि वो उसकी उत्तेजनाओं को सिर्फ पूरा करे. It was love. ये तो प्रेम है. Pure love. और वो है शुद्ध प्रेम. For God's glory. वो जो परमेश्वर की महिमा के लिए. Man and woman as husband and wife enjoy each other's. और वो पुरुष और महिला एक दूसरे का आनंद ले ताकि परमेश्वर की महिमा उनके शारीरिक और उनके शादीशुदा जीवन से होने पाए. And understanding this. और इस बात को समझते हुए husbands and wife must realize. हर पति और पत्नियों को ये समझना है that you are to enjoy each other, care for each other, cherish each other, and understand each other. It is not only fulfilling fleshly desires, but it is the fulfillment of a relationship that makes two one. और इसलिए पति पत्नियों को याद रखना है कि उन्हें एक साथ एक शादीशुदा जीवन में एक दूसरे की चिंता करनी है, एक दूसरे से प्रेम बनाए रखना, एक दूसरे का आनंद उठाना है और साथ ही साथ शुद्धता को बना करके चलना है. Parents, be an example to your children. और इसलिए माता पिताओं, आप बच्चों के लिए उदाहरण बने ताकि जब वो बड़े हों और वो उनकी शादियां हों, वो इस बात को समझने पाए कि कैसे एक पति और पत्नी को एक आनंदित रिश्ते में जीना है. Enjoy a clean life, एक शुद्ध जीवन का आनंद लें, clean relationship, और एक पवित्र जीवन का आनंद लें. And thus enjoy the pleasures that God allows you to. और इसके द्वारा जो आनंद परमेश्वर ने आपके लिए दिए हैं उनको आप आनंद उठाएं. And God bless your married life. और परमेश्वर आप सबके शादीशुदा जीवन पर आशीष दे. And remember, और याद रखिए, God who created us, और परमेश्वर जिसने हमें बनाया, has given us everything that we need in order to enjoy God together as we enjoy each other. उसने हमें हर एक वो बात दी ताकि हम उन बातों का आनंद ले सके, ताकि हम परमेश्वर को का आनंद भी अपने रिश्तों में लेने पाए. Blessed Lord, हमारे आशीषित परमेश्वर, we thank you that you are a caring and thoughtful God, like a father. हम धन्यवाद करते हैं कि तू एक चिंता करने वाला परमेश्वर है, जैसे एक पिता होता है. You have created man and woman. तूने पुरुष और स्त्री को बनाया. And brought them together into a relationship. उन दोनों को एक रिश्ते में ले आया. And through that relationship, the two shall become one. और उस रिश्ते के द्वारा वो दोनों एक हो गए. And the purpose is to glorify God together. और उद्देश्य ये था कि दोनों मिलकर परमेश्वर का महिमा करें. And so, Lord, may we understand this truth. और इसलिए होने दे परमेश्वर हम इस सत्य को समझने पाएं. And build our homes with love. और अपने घरों को प्रेम से बनाएं. Thus fulfilling God's purpose. और इसके द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करें. And expand our own understanding, O Lord. हमारी समझ को भी हम बड़ा करने पाएं. So that we will not misunderstand your teaching, but understand it well, and then live to glorify you even through our relationship. ताकि हम तेरी शिक्षाओं को गलत रीति से ना ले, लेकिन जीने पाएं ताकि तेरी महिमा हमारे जीवनों से हो जाए. Bless the people of the Life Spring Assembly. और लाइफ स्प्रिंग असेंबली कलीसिया के हर एक जन के ऊपर तेरा आशीष. And bless people who are listening to this teaching. It doesn't matter which organization or denomination they belong. और हर एक उस जन पे तेरा आशीष हो जिन अध्ययनों में भाग लेता है. ये मायने नहीं रखता किस संस्था या किस जगह से वे आते हैं. You have one church. आपके पास एक ही कलीसिया है. And one body. और एक ही देह. And all of us are members of that. और हम सब उसी देह के सदस्य हैं. May the Holy Spirit enable us. होने दे पवित्र आत्मा हम सब की सहायता करे. To understand your teaching well. ताकि हम तेरी शिक्षा को सही रीति से समझ लें और तेरी महिमा करें. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता. We give you all the glory and praise and honor. हम सारा आदर और महिमा आप ही को देते हैं. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you, my brothers and sisters. मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष. Understand the scriptures. And apply the scriptures in your relationship. और इन वचनों को समझें और इन्हें अपने जीवनों में लागू करें. Amen. Amen.